तो हम ऑप्टिमस की रेंज पे सबसे पहले बात करते हैं। हमारे पास न्यू रेंज आई है, दिस इज़ फॉर 35+, ये एंटी एजिंग रेंज है। और इसके साथ साथ इसके बहुत सारे और भी फ़वाद हैं। ये सारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। इफ़ यू कैन सी एंड सो हर इंग्रेडिएंट इटसेल्फ हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। एंड द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस रेंज इज़ कि ये एक तो फर्स्ट ऑफ रिंकल्स पे, फाइन लाइन्स पे काम करती है। एंटी एजिंग रेंज है, आपकी स्किन को फर्म करेगी, स्मूथर करेगी, रेडिएंट बनाएगी। बट साथ साथ हर इंग्रेडिएंट के अपने भी रिजल्ट्स मिलेंगे जो कि ओवरऑल स्किन को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। हम इंडिविजुअली सबसे पहले मैं प्रोडक्ट पे बात करूँगी। सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा एंटी एजिंग क्लिंजर। इसमें इट्स अ 2-in-1 क्लिंजर इन अ सेंस कि ये आई मेकअप रिमूव भी करता है एंड मेक आई मेकअप रिमूवर भी है। आई मेकअप रिमूवर्स स्पेशली बहुत ज़्यादा यू कैन से बिल्कुल भी हार्श नहीं होते हैं, बहुत सूदिंग होते हैं क्योंकि आई एरिया बहुत डेलिकेट होता है। सो ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑल्दो मैंने इसकी जो अब तक ओपन नहीं किया। ओके तो इसका मैं एक पंप सिर्फ निकाल रही हूँ, ठीक है। इसकी स्मेल एज सच इतनी कोई इसमें इतनी कोई स्मेल नहीं है, विच इज़ गुड बिकॉज बहुत सारे लोग फ्रेगनेंसेस से भी एलर्जिक होते हैं। सो इसका क्लिंजर में कोई स्मेल नहीं है एंड दिस इज़ एन एंटी एजिंग क्लिंजर, ठीक है। एंड ये हम ड्राई स्किन को देंगे या हम ऑल स्किन टाइप्स को दे सकते हैं इफ़ ओनली अगर ऑयली स्किन है तो साथ मास्क दे दीजिए। एंड ये दिन में दो दफ़ा इससे क्लिंजिंग करनी होती है, ठीक है। साथ ही साथ आप डे में एंड नाइट में इससे क्लिंजिंग करेंगे। मेकअप भी इससे बहुत अच्छे से रिमूव होगा, इम्प्योरिटीज़ बहुत अच्छे से क्लीन होंगी। सिंस ये क्लिंजिंग मिल्क है तो ये आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगा बिल्कुल भी, आपकी स्किन को सॉफ्ट एंड नरिश रखेगा। ये आपकी स्किन पे मल्टीपल साइंस ऑफ एजिंग एंड रिंकल्स, फाइन लाइंस को रिमूव करेगा। क्यों करेगा? आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, नरिश करेगा, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी मेकअप होगा उसको रिमूव करेगा और आपकी स्किन को बिल्कुल कंफर्टेबल सॉफ्ट फील देगा। इसके अंदर स्वीडिश नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। रेड क्लोवर इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, रास्बेरी इसके अंदर है जिसमें विटामिन्स होते हैं।